ये मैं इसके सिटी सेंटर की तरफ जा रहा हूँ। पीछे ये जो दो नज़र आ रहे हैं मीनार से, ये चर्च है वहाँ पे, बड़ा मशहूर चर्च है यहाँ का, हिस्टोरिक चर्च है। ये पोस्ट ऑफिस है, इसमें सारा शॉपिंग जोन है, सारी दुकानें वगैरह मुख्तलिफ ब्रांड्स की बनी हुई हैं यहाँ पे, और शॉपिंग के लिए लोग फिर रहे हैं। बैंक्स वगैरह हैं मुख्तलिफ, ये साइड पे पुरानी बिल्डिंग्स हैं। यहाँ का मेन स्क्वायर है, शहर का जो सेंटर है। ये इन मुल्कों में यहाँ पे, ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे इस तरह शहर में एक स्क्वायर होता है जो मेन सेंटर होता है शहर का। ये चर्च है जो मैं पहले दिखा रहा था दूर से, ये उसके इर्द गिर्द का इलाका है। जितने भी शहर के लोग होते हैं वो हफ्ते में एक आधी दफ़ा ज़रूर यहाँ से गुज़रते हैं, ये गुज़रते हैं या आते हैं वैसे घूमने फिरने के लिए। ये इन मुल्कों में रिवाज है, और वैसे भी जो सारी ट्राम लाइन्स हैं वो यहाँ से इस जगह पे आकर क्रॉस करती हैं। ये ट्राम स्टेशन बने हुए हैं, तो तकरीबन सारे शहर की ट्राम जो हैं वो यहाँ से यहाँ पे आती हैं और यहाँ क्रॉस होते हैं, उनके लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये एक यादगारी स्टैचू बना हुआ है 1848 का, ये कोई आज़ादी का हीरो था इनका। ये सब्जियों और फूलों की दुकान है, और ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ से भी ऊपर एक वहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे रहते हैं। ये सीढ़ियों से ऊपर आ रहा हूँ, ये यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट के और वैसे फ्रूट्स के स्टॉल लगे हुए हैं। फ्रूट पड़े हुए हैं, चीज़ भी है उनका लोकल। ये भी शहर और इसी तरह के दूसरे स्टॉल्स हैं, यानी कि जो भी लोकल चीज़ें लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी इस मार्केट से नीचे की तरफ वापस सीढ़ियों से चढ़ के हम शहर की दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं, बिल्कुल वो सेंटर का एरिया जहाँ पे ट्राम्स वगैरह चेंज होती हैं, वहाँ से बिल्कुल सीन चेंज हो जाता है वहाँ पे। ये यहाँ पे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं, ये भी बड़ा टूरिस्टिक एरिया, सारे टूरिस्ट यहाँ पे घूम रहे हैं। जगह वैसे भी ऐसे वैसे एक बहुत हिस्टोरिक सिटी है, इसलिए इसकी अपनी बहुत अहमियत है, लोग तो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। सारा पुराना शहर का एरिया, ओल्ड सिटी एरिया। मैं इधर से गुजर आया हूँ ओल्ड सिटी एरिया से, वो पीछे सारा नज़र आ रहा है, मैं आगे थोड़ा सा जा रहा हूँ क्योंकि ये सारा एरिया जो है बड़ा हिस्टोरिक है और देखने वाला है। इस बाज़ार का दूसरी साइड से व्यू, एक ये चर्च नज़र आ रहा है, चर्चेज यहाँ पे बहुत हैं, बहुत आप है। एक और स्ट्रीट है उसके साथ वाले एरिया में जहाँ से मैं अभी आया हूँ, वो बाज़ार से काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, थोड़ी नहीं है,
दूसरी तरफ से बाजार में से रास्ता जाता है, वहाँ से इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, लेकिन इस तरफ से जाता है। ये रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, पुराने मोहल्ले हैं उसी तरह, तंग तंग सड़कें हैं। ये यहाँ पे चर्च बन रही है, लोग आते जाते यहाँ पे इबादत करके दुआ करके जाके चले जाते हैं। यहाँ की लैंग्वेज है वो रशियन लैंग्वेज, जो लोग समझते हैं या लिख पढ़ लेते हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है, वो समझ जाते हैं यहाँ कि क्या कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्योंकि काफ़ी मिलती जुलती लैंग्वेज है रशियन लैंग्वेज से। ये चर्च है कोई, ऊपर इसके लिखा हुआ है 1841, शायद ये उस वक्त बना, क्योंकि अक्सर इनके चर्चेज बहुत पुराने हैं और उनको दोबारा ठीक किया गया, रिकंस्ट्रक्ट किया गया। ये काफ़ी से टूरिस्ट हैं, तो पुलिस की गाड़ी भी पीछे फिर रही है। ये टूरिस्ट यहाँ पे फोटोज बनवा रहे हैं, सारा स्क्वायर है। और अब मैं यहाँ से दूसरी तरफ जाने लगा म्यूजियम जाने लगे, पुरानी कार्स यहाँ पर खड़ी हैं। यहाँ पे लोग शहर का चक्कर लगाते हैं। जिस जगह का मैं जिक्र कर रहा था, किले के ऊपर आ गए, शहर का किला, यहाँ से पूरा शहर जो है नीचे नज़र आता है। लेकिन लिफ्ट भी तो चलाई हुई है, ट्रेन लोगों को लेकर ऊपर आती है। मैं तो पैदल सारा ही सफ़र करके आया, क्योंकि मज़ा इंजॉयमेंट इसी में का पैदल ऊपर आया। काफ़ी चढ़ाई है, आपने देखा अभी कि मैं ऊपर जा के आया, और लेकिन ये बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ से ये ट्रेन यूज़ करते हैं ऊपर आने के लिए। ये काफ़ी दूर तक ये शहर फैला हुआ, काफ़ी बड़ा शहर है, ईस्टर्न यूरोप के बड़े शहरों में इसका शुमार होता है। एक दूरबीन लगी है, लोग ऐसे देख रहे हैं शहर। ये स्टेशन है उस ट्रेन का जिस पे लोग ऊपर आए हैं। यहाँ पे स्टॉल भी लगे हुए हैं, लोग यहाँ से कुछ ले सकते हैं, सुवेनिर वगैरह। पुराना शहर जो है वो ये एरिया साथ साथ है, और कुछ दूर बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, ज़ाहिर है वो नई आबादी है सारी। जब शहर सैकड़ों साल पुराना शहर, उसकी आबादी भी बढ़ गई है, फैलता गया। ये उसका एक और साइड से मंजर है, पुरानी बिल्डिंग ये करीब करीब है। ये आगे यहाँ पे एक बाजार सा लगा हुआ है। एक्चुअली शाम को टूरिस्ट यहाँ पर काफ़ी आते हैं शहर को देखने ऊपर से, क्योंकि ऊपर से खूबसूरत लगता है शहर का रात के टाइम मंजर इसका। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर सारी डिटेल लिखी है कि इस एरिया में क्या क्या चीज़ें हैं। म्यूजियम ऑफ द सिटी ऑफ ज़ाग्रेब गैलरी है, क्रोशियन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, और सेंट मार्क्स क्रोशियन हिस्ट्री म्यूजियम, और इसी तरह और सारे म्यूजियम वगैरह
इस साइड पे जाएंगे जो से हम आए हैं, तो इस साइड पे आगे वो चीज़ें थी कुछ मैंने आपको पास से गुजरते हुए दिखाए हैं वहाँ पे। सारा एरिया इन्होंने डेकोरेट किया हुआ जो शाम को शाम करते हैं काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पर बैठ के शाम को इंजॉय करते हैं। ऊपर से शहर की लाइट शहर ऊपर से बहुत खूबसूरत नज़र आता है रात के टाइम। ये एक और एंगल से शहर नज़र आ रहा है ऊपर से, ये नीचे का हिस्सा आबादी है जो नीचे साथ साथ यहाँ से सीढ़ियाँ भी नीचे जाती हैं, यहाँ से होते हुए ये पीछे अंदर से रास्ता गुजरता है, ये नीचे को जा रही हैं और वो सामने बड़ी सड़क की तरफ निकल जाते हैं। ये वाली काफ़ी दूर है यहाँ से, लगता है कि करीब है लेकिन इतना करीब नहीं है। ये सारा एरिया